वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर चल रहा है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स, जो प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन हैं और तकरीबन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, हमने वहाँ पर जो उसकी स्टडी ऑलरेडी कर ली है। लास्ट हार्मोन जो था एब्सिसिक एसिड है, जो यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाएगा, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी हम कहते हैं, यानी दैट डेवलप इन द देयर कॉन्सेंट्रेशन दैट आर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द समर सीज़न। और समर सीज़न प्लांट्स के लिए जो है स्ट्रेस कंडीशन होती है, उसको अपनी लाइफ बचाना होती है, स्ट्रेस कंडीशन है, उसी सीज़न के अंदर ये हार्मोन पैदा होते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसीलिए इनको जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी पहचाना जाता है। तो हार्मोन का पार्ट लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कम्प्लीट किया है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो प्लांट के फ्लावरिंग के ऊपर जो है यहाँ पर अहम रोल अदा करता है, और वो कहलाता है यहाँ पर फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी यहाँ पर हम देखते हैं पूरे साल भर का अगर हम सर्वे करते हैं, तो यहाँ पर कभी भी दिन हमारा और रात जो होती है इक्वल नहीं होता है। कोई मौसम होता है दिन बड़े हो जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। कोई मौसम रहेगा यहाँ पर जो दिन छोटे हो जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग मौसम वजूद में आते हैं, और इस मौसम के अंदर ये अलग अलग जो मौसम रहेंगे उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप वहाँ पर जो उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे आप जानते हो खरीफ की फसल है, रबी की फसल जो होती है, तो ये मौसम के लिहाज से उसको जो है यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि मौसम का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, दे कैन कल्टीवेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उनको जो है यहाँ पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है उसको कहा जाता है फोटो पीरियड या फोटो पीरियडिज्म कहेंगे। प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक कहलाती है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी कहलाती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब प्लांट्स के अंदर यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो पौधे के अंदर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट्स के हैं उनके अंदर फुल ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन से रहेंगे? रूट, स्टेम और लीफ, ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो इनके अंदर इनिशियल स्टेज में फुल ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। जब वेजिटेटिव पार्ट मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाएंगे, फुल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उनके अंदर फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पाई जाती है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। क्योंकि आपको पता है फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच आर एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्लांट्स के अंदर फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, सीड का प्रोडक्शन होगा, जो यहाँ पर जो है सीड के जरिए रीजनरेशन ऑफ द प्लांट बॉडी होगा। बहुत सारे फ्रूट एडिबल होते हैं, बहुत सारे सीड भी एडिबल होते हैं, तो फ्लावर की वजह से वी कैन गेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू फ्लावर वी कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स के अंदर यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी पाई जाती है, एंड बोथ द ग्रोथ फॉर दैट लाइट एंड टेम्परेचर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। दोनों किस्म के ग्रोथ के लिए सनलाइट और पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट आर रिक्वायर्ड। आपको तो इतना पता है, 11 के अंदर आपने पढ़ा है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस या प्लांट का जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर दैट मिनिमाइज द ग्रोथ। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 25 से 35 डिग्री सी के दरमियान है उतना रिक्वायरमेंट है। बहरहाल सनलाइट और टेम्परेचर ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के विच अफेक्ट ऑन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और यहाँ पर यही दोनों फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फ्लावरिंग, यही जो है यहाँ पर फ्लावरिंग के ऊपर भी जो है यहाँ पर अटैक करते अफेक्ट करते हैं। यानी फ्लावर फॉर्मेशन के लिए भी सनलाइट ज़रूरी है और पर्टिकुलर टेम्परेचर भी यहाँ पर जो ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। लाइट का जो इन्फ्लुएंस होता है फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर पैदा करने के लिए, वही पीरियड जो कहलाता है उसको फोटो पीरियड कहेंगे, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। दूसरा, टेम्परेचर भी जो यहाँ पर होता है ये भी फ्लावरिंग के ऊपर अफेक्ट करता है। इसके बाद का टॉपिक वही रहेगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर प्लांट बॉडी के ऊपर होता है तो उसको फोटो पीरियड नहीं, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। उसको वर्नलाइजेशन कहेंगे, और दिन के वक्त में यहाँ पर जो
सनलाइट है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। इसी तरीके से रात के वक्त में जब टेम्परेचर कम होता है, चिलिंग कंडीशन होती है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वो भी फ्लावर फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो बाद में हम यहाँ पर देखेंगे वर्नालाइजेशन, जिसके ऊपर टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, वो हम देखेंगे। यहाँ पर रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब पूरा का पूरा यहाँ पर जो वेटेज रहेगा फोटो पीरियडिज्म के ऊपर, हम यहाँ पर जो है लाइट के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइट दैट शोज थ्री एस्पेक्ट, लाइट जो है तीन तरीकों से, तीन एस्पेक्ट हैं जो यहाँ पर प्लांट के ऊपर अफेक्ट करता है। पहला जो होता है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट आपने 11 के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है। क्वालिटी ऑफ लाइट यहाँ पर तीन किस्म की लाइट हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, और उसके बाद जो है इन्फ्रा रेड रेडिएशन है। तो यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट फ्लावरिंग के लिए आपको पता है अल्ट्रा वायलेट की भी ज़रूरत नहीं है, इन्फ्रा रेड की भी ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल मीडियम रेंज की जो सनलाइट है विच आर रीचिंग ऑन द अर्थ सर्फेस, वो क्वालिटी जो है हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके अंदर प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो शिद्दत होती है वो यहाँ पर जो है वो फ्लावरिंग के ऊपर या ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी प्रोडक्टिव एबिलिटी प्लांट की जो उतनी बढ़ेगी, इंटेंसिटी कम होगी तो प्रोडक्टिव एबिलिटी यहाँ पर जो है कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो होती है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, फोटो पीरियडिज्म के अंदर ड्यूरेशन ऑफ लाइट को जो है यहाँ पर वेटेज दिया गया है, और इसी बुनियाद पर कितना लाइट सनलाइट मिल रही है सबसे ज़्यादा फोकस इसी पॉइंट के ऊपर दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बुनियाद पर फोटो पीरियड जो है उसको तीन ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया है। अब यहाँ पर देखना ये जो टर्मिनोलॉजी है फोटो पीरियडिज्म, गार्नर और अलार्ड ये दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी दी है फोटो पीरियडिज्म, इसको आपको याद रखना है। नीट वगैरह के अंदर यहाँ पर जो है साइंटिस्ट के नेम वगैरह आते हैं, उस हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये मैं कह रहा था ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बुनियाद पर फोटो पीरियडिज्म जो है तीन ग्रुप के अंदर यहाँ पर बांटा गया है, वो ग्रुप इधर आपके सामने है। पहला जो ग्रुप यहाँ पर होता है एसडीपी या एलएनपी, एसडीपी का फुल फॉर्म है शॉर्ट डे प्लांट, या अगर शॉर्ट डे है दिन का ड्यूरेशन कम है तो यहाँ पर इसका मतलब रात जो है लंबी रहेगी, या तो इसीलिए इसको लॉन्ग नाइट प्लांट बॉडी कहा जाता है, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट बॉडी कहा जाएगा। अब बच्चों आप इतना अंदाज़ा तो कर सकते हो शॉर्ट डे कब होता है, दिन का वक्फा कब कम होता है, जाहिर सी बात है वो सीज़न जो रहेगा वो विंटर सीज़न रहेगा। सर्दी का मौसम शुरुआत हो रही है, हम देख रहे हैं दिन का ड्यूरेशन जो छोटा होते जा रहा है, रात लंबी हो रही है, लॉन्ग नाइट प्लांट बॉडी इनको कहा जाएगा। तो दुनिया में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके लिए फोटो पीरियडिज्म जो होता है उनके अंदर फ्लावरिंग के लिए, फॉर द फ्लावरिंग शॉर्ट डे ड्यूरेशन दैट आर रिक्वायर्ड, थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी लगेगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे प्लांट बॉडी इनको कहा जाएगा जो विंटर मौसम के, विंटर सीजन के अंदर जिनके अंदर फ्लावरिंग पैदा होती है उनको शॉर्ट डे प्लांट बॉडी कहा जाएगा, या रात लंबी होती है तो इसको लॉन्ग नाइट प्लांट बॉडी कहा जाएगा। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो रहेगी, ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट बॉडी के दालिया प्लांट बॉडी है, टोबैको तंबाकू का जो पौधा होता है, क्राइसेंथेमम गेंदे का जो फूल होता है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी दिस फ्लावर दैट आर यूज्ड फॉर द पूजा, पूजा के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा विंटर सीजन में ही अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है और ये फ्लावर, ये जो प्लांट बॉडी है मैक्सिमम फ्लावर का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, तो उसको जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और सोयाबीन, ये ऐसे फेमस यहाँ पर प्लांट्स हैं जो यहाँ पर समर विंटर सीजन के अंदर जब शॉर्ट डे होता है उस दौरान इनके अंदर जो है फ्लावर का फॉर्मेशन यहाँ पर जो है होता है, फ्लावरिंग होती है। दूसरा जो होता है एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, अगर दिन यहाँ पर लंबे हैं तो इसका मतलब ये शॉर्ट नाइट प्लांट, रात यहाँ पर छोटी होगी, दिन का ड्यूरेशन बड़ा रहेगा रात छोटी होगी, तो नो डाउट आप यहाँ पर कह सकते हो दिन बड़ा कब होता है, समर सीजन के अंदर दिन का ड्यूरेशन जो है यहाँ पर बड़ा होता है, दिन बड़े होते हैं। अब समर सीजन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको लॉन्ग
डे ड्यूरेशन की यहाँ पर ज़रूरत है फॉर फ्लावरिंग। दिन के वक्त जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी उतना ज़्यादा उनके अंदर जो है फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, यानी ये प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो गर्मी के दिनों में अपने अंदर जो फ्लावर पैदा करेंगे। वो है पी प्लांट, मटर का पौधा है, रेडिश है, मूली वगैरह हैं, शुगर बीट है, शलजम जिसको हम कहते हैं, स्पाइनेज पालक की जो सब्जी होती है, और व्हीट गेहूँ। ये ऐसे प्लांट्स यहाँ पर होते हैं जो गर्मी के दिनों में इनको जो है कल्टीवेट किया जाएगा, और गर्मी के दिनों में इनके अंदर जो रहेगा इनके अंदर जो है यहाँ पर फ्लावर फॉर्मेशन होगा और फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट इनके अंदर जो है यहाँ पर पाया जाएगा। तीसरी कंडीशन जो होती है DNP, डे न्यूट्रल प्लांट बॉडी, यानी यहाँ पर जो है दे डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फोटो पीरियड, कोई खास इनके अंदर फोटो पीरियड की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि इन दीज प्लांट्स फ्लावरिंग दैट आर ऑब्जर्व थ्रू आउट द ईयर, यही वजह है कि इनके अंदर ये देखा जाता है पूरे साल भर इनको कल्टिवेट किया जा सकता है, साल भर इनके अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, पूरे साल भर ये जो क्रॉप रहेगी, जो फ्रूट रहेंगे, जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, साल भर ये अवेलेबल होते हैं, कभी भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। ये सनलाइट या डे नाइट का ड्यूरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी साल भर इनके अंदर जो है यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और वो है कोकुम्बर, खीरा, ककड़ी वगैरह जो होते हैं साल भर अवेलेबल होते हैं, टोमेटो है, टमाटर, कभी भी ऐसा नहीं होता है चलो भाई अब टमाटर का सीज़न आया, अब टमाटर का सीज़न ख़त्म होगा, साल भर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कॉटन, कपास का पौधा है, सनफ्लावर सूरजमुखी का पौधा है, मेज़ मकई यानी भुट्टा वगैरह, ये जो प्लांट्स यहाँ पर होते हैं इनके अंदर फोटो पीरियड या वर्नलाइजेशन इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट बॉडी विच आर नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फोटो पीरियड, सो दीज प्लांट दे कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इनका जो है यहाँ पर कल्टिवेशन हम कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो है फोटो पीरियडिज्म है, ये तमाम पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। हम अगले पीरियड में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।